नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं मगध संवाद। अगर आप बिहार में शिक्षक हैं तो आपको यह खबर देखनी चाहिए, चाहे आप जिस तरह का शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो या फिर बीपीएससी से आए हुए शिक्षक हो या पुराने वाले शिक्षक हो, कोई भी शिक्षक हो, तो यह खबर आपको देखनी चाहिए। इसलिए कि इन दिनों बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टी चल रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों की छुट्टी की, अगर मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि गर्मी की छुट्टी, तो आप शिक्षक कुछ और सोचने लगते हैं कि यह तो सरकार वाली भाषा बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात, इसीलिए हमने इस चीज को बोला कि बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टी। तो गर्मी की छुट्टी विद्यालय में जारी है, समय से शिक्षक आ रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ बच्चे भी आ रहे हैं, कहीं ढेर सारे भी बच्चे आ रहे हैं, कहीं 5 से 10 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। लगने का मौसम है, शादी विवाह का मौसम है, तपिश बढ़ा हुआ है, फिर भी मास्टर साहब स्कूल आ रहे हैं, फिर भी शिक्षा विभाग को यह संतोष नहीं है कि शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं। अब बिहार शिक्षा विभाग और शिक्षक के बीच में कोई है जो विभाग को मिसगाइड करता है, शिक्षक नहीं आते हैं। इस बात को शिक्षा विभाग बिहार सरकार में या बैठाने का काम किया जा रहा है या किया गया है या किया जाएगा, तीनों चीज। लेकिन शिक्षक तो आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग फिर भी शांत नहीं है, चाहे कारण जो भी हो। यह भी हम कह सकते हैं कि निरीक्षण पदाधिकारी और निरीक्षण कर्ता जो कर्मचारी है, दो तरह के लोग निरीक्षण करते, एक पदाधिकारी और एक कर्मी भी करते हैं, टोला सेवक है, तालमी मरकज वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग को लगाया गया है इसमें, अकाउंटेंट है और बहुत सारे लोग हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको बॉन्डेड कर दिया गया कि आप जिस प्रखंड में निरीक्षण करना है आपको, वहां उस प्रखंड अनुमंडल में आप अपना आवास रखिए, यानी कि वहां भाड़े पर रूम लीजिए और रहना होगा, ताकि समय आप निरीक्षण कर सकते हैं। खैर, यह बात की बात उनकी है, लेकिन अब एक और पाबंदी उन पर लगा दी गई है, और उन पर लगाई गई है, यह माना जा रहा है कि उन पर लगाई गई, लेकिन उन पर नहीं, शिक्षकों पर मान लीजिए, क्योंकि जब उन पर लगेगी तो शिक्षक पर भी पाबंदी बड़ी हो जाएगी। उनको कहा गया है कि जो पदाधिकारी, जो निरीक्षी पदाधिकारी या जो निरीक्षी कर्मी है, अगर प्रतिदिन 10 स्कूलों का अगर निरीक्षण नहीं करते हैं तो उनका वेतन कटेगा। देखिए कितना टाइट किया जा रहा है कि अगर 10 स्कूल नहीं किए तो आपका वेतन कटेगा। तो कौन वैसे निरीक्षी पदाधिकारी होंगे जो भ्रमण नहीं करेंगे, करना ही है, 8 से 10 स्कूल है और उसमें भी जांच पर जांच। एक शिक्षक ने हमें बताया कि मेरे विद्यालय में तो इस मौसम में भी 2-3 निरीक्षणकर्ता पहुंच जा रहे हैं, 4 पहुंच जा रहे हैं 2 घंटे में। निरीक्षण अधिकारी जो हैं कक्षा में जाकर बच्चों से सवाल भी पूछेंगे, समझ लीजिए मिशन टच वाले बच्चे भी हैं, या फिर स्कूल खुलेगा उस समय भी। तो निरीक्षण पदाधिकारी जो आते थे ऑफिस में बैठकर और कह सकते हैं कि वह रिपोर्ट लेते थे, कक्षा में घूम लेते थे, बाहर देख लेते, सब सफाई, शौचालय की कैसी व्यवस्था है, भोजन की कैसी व्यवस्था है, बेंच डेस्क है कि नहीं, कितने थाली पुराने वाले हैं, कितने नए वाले हैं, कितने पुराने बेंच है, कितने नए बेंच है, इनको हेडमास्टर साहब से जानकारी ले लेते थे, जब तक साइन वगैरह करा के चले जाते थे। अब उन्हें क्लास रूम में जाकर बच्चों की गिनती ही नहीं करनी है, बल्कि बच्चों से सवाल भी पूछना है, सवाल जवाब भी करना है। दूसरी बात, अब आते हैं शिक्षक पर। अगर इस निरीक्षण के क्रम में अगर शिक्षक अनुपस्थित पाए जाते हैं तो शिक्षक का एक दिन का वेतन काटने का भी आदेश दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो भी कार्रवाई होती है
वह आकर शिक्षक पर ही रुक जाती है। तो अब शिक्षक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, यह बातें बिल्कुल लगातार विभाग और बीच वाले और शिक्षक तक बात चलती रह रही है। पत्र पर पत्र निकल रहे हैं, चुनाव की ड्यूटी है, एफएलएन प्रशिक्षण है नियोजित शिक्षकों के लिए, मिशन दक्ष की जिम्मेवारी, लू से बच्चों को बचाने की जिम्मेवारी, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं मिशन दक्ष में तो उन्हें स्कूल तक लाने की जिम्मेवारी, तमाम जिम्मेवारियों पर जिम्मेवारी उनको लाद दिया गया है। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में निजी स्कूलों में बच्चों को किताबों की बोझ से इतना लाद दिया जाता है उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, उसी तरह से आज सरकारी स्कूल के शिक्षकों को इतना बोझ लाद दिया गया है कि बेचारा का कमर ही टूटता नजर आ रहा है। कहां फंस गए? खैर, पेट की बात है, मान सम्मान की बात है, ना तो छोड़ सकते हैं ना तो भाग सकते हैं, करना ही है। ड्यूटी करने से कोई भागता नहीं है शिक्षक, लेकिन इतना ही बोझ लाद दीजिए। जबकि यह माना जाता है, विचारकों का भी यह सोचाया है कि शिक्षक को केवल पढ़ाने की ही ड्यूटी रखी जाए, लेकिन यहां तो बच्चे को लाने की भी जिम्मेवारी दी जाती है, भोजन कराने की भी जिम्मेवारी दी जाती है, किताब बांटने की जिम्मेवारी दी जाती है, किताब को सुरक्षित रखवाने की जिम्मेवारी दी जाती है, तमाम चीजों को दे दिया जाता है। और ऊपर से खोजते हैं बहुत कुछ। तो यह खास बातें आई थी कि अब निरीक्षण पदाधिकारी और कर्मी जो हैं वह प्रतिदिन 10 स्कूलों का अवश्य निरीक्षण करेंगे, नहीं तो उनका वेतन कटेगा। और निरीक्षण के दौरान वह जिस स्कूल में जाएंगे वहां पर बच्चों से सवाल जवाब भी करेंगे, और जो शिक्षक अनुपस्थित पाए जाएंगे उनका एक दिन का वेतन भी कटेगा। अब आइए, बिहार शिक्षा विभाग यह भी प्रयास में लगातार है कि जो बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए उसका भी बहुत जल्द वेरिफिकेशन कराकर हम स्कूल को दे दें। और अब इस बात पर भी अब टेंशन शिक्षकों को होगी कि सक्षमता परीक्षा होगी कि नहीं होगी। एक तरफ सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है कि सक्षमता परीक्षा की तैयारी विभाग में चल रही है, सक्षमता परीक्षा 2 की। फिलहाल यह खबर 2-3 चीजों को हमने लेकर आपके बीच आया था, जो आपको आपसे बात करना, आपके बीच रखना हम जरूरी समझते थे। बाकी आप क्या सोचते हैं आप पर निर्भर करता है, जो भी निकल कर चीज आई थी आपको मैंने बताने का काम किया है। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।